हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो सेवंथ वीडियो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इसमें हम सेगमेंट क्या है और जैसे हमने सेक्टर में देखा था माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर सेम वे माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे माइनर सेगमेंट की माइनर सेगमेंट किसे बोलते हैं सेम वे हम सर्कल के अंदर आ जाते हैं सर्कल में ये एक मैंने रेडियस बना दिया ये रेडियस का मैं नेमिंग कर रहा हूँ दैट्स ओ ए रेडियस ओ ए देन दूसरी रेडियस में बना रहा हूं जिसका नाम मैं दे देता हूं ओ बी ओ बी सो हियर बी अभी फ्रेंड्स ये जो एंड पॉइंट है रेडियस का जो एंड पॉइंट सर्कल पे होता है वो दोनों एंड पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं सो आई एम कनेक्टिंग ए एंड बी एंड वी कैन से ए बी जो है वो कॉर्ड है बिकॉज इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे और दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे उसे हम कॉर्ड बोलते हैं अभी ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये कॉर्ड बनाने की वजह से कॉर्ड ए बी को कनेक्ट करने की वजह से जो ये एरिया अलग हो रहा सेगमेंट सो हियर आई विल राइट माइनर सेगमेंट अभी फ्रेंड्स इसका जो फंडा है वो बहुत ही ईजी है क्या करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ लेना है कि सेगमेंट जो है वो सेक्टर का एक पार्ट है सेगमेंट जो है वो सेक्टर का एक पार्ट है हाउ आई विल एक्सप्लेन जैसे कि ये होता ही नहीं यहाँ पे ये लाइन होती नहीं ये, नहीं ये होता ही नहीं ये होता ही नहीं तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो सेक्टर होता राइट right? सो so, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पूरा एरिया दैट इज माई माइनर सेक्टर राइट अभी सेगमेंट जो है वो उसमें से ही एक पार्ट है उसमें से एक एरिया अलग हुआ है ये मैंने मेरी ब्लैक पेन से इसे कनेक्ट कर दिया और यहां पे जो एरिया अलग हुआ वो हमारा सेगमेंट है तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड अभी सबसे पहले हमें क्या करना है सेगमेंट ढूंढना है तो सेगमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें सेक्टर तो ढूंढना ही है सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा प्रीवियस पेज पे मैंने बताया था दैट इज पाई आर स्क्वा अपॉन 360 तो सबसे पहले सेक्टर ढूंढेंगे अभी फ्रेंड सेक्टर ढूंढने के बाद आपको ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है दिस ट्राइंगल ओ ए बी ये अभी ब्लैक हो गया बिकॉज मैंने डबल टाइम हाईलाइट कर दिया अभी फ्रेंड्स देखो ये जो ब्लैक पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे सेक्टर में से माइनर सेक्टर में से ये ब्लैक पार्ट जो है वो हम माइनस कर देंगे दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी तो बाकी जो रह जाएगा वो सेगमेंट तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है जैसे इसका फॉर्मूला है सेगमेंट ढूंढने के लिए पहले सेक्टर ढूंढो सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल माइनस करो एरिया ऑफ ए ट्राई Isn't it? अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ट्राइंगल का एरिया कौन से फॉर्मूला से ढूंढना है अभी फ्रेंड्स इसमें तीन पार्ट्स हो जाएंगे उसमें से फर्स्ट पार्ट है कि अगर आपको बता देंगे कि ये जो ट्राएंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलिटल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है यहां पे मैं शॉर्ट में ई लिख रहा हूँ ई फॉर इक्विलिटर ट्राइंगल जिसकी सभी साइड सेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको एरिया ढूंढने के लिए रूट थ्री अपॉन फोर

जो सब में यूज हो, यूज हो सकता है वो है हेरोइन फॉर्मूला ठीक है अभी हेरोइन फॉर्मूला में क्या है तो आपको सबसे पहले सेमी सेमीपेरीमीटर ढूंढना है दैट दैट इज इज डिनोटेड बाय एस सेमी ए प्लस प्लस बी सी यानी कि तीनों तीन साइड का प्लस डिवाइड बाय टू और उसके आगे तुम्हें जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट आपको याद होगा नाइन्थ के सेमेस्टर टू में आया था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सो ट्राइ का एरिया ढूंढने के लिए बहुत सारा रास्ता है जो भी आपको इजी लगता है क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप हेरोइन से जाते हो तो डेफिनेटली इट इज गुड वन बिकॉज हेरोइन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी ढूंढ सकता है हेरोइन फॉर्मूला से हम राइट right एंगल के अलावा इक्विलेटरल का ढूंढ सकते हैं कोई भी ट्राइंगल हो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है लेकिन इसकी मेथड जो है वो लंबी है तो अगर राइट right एंगल है तो गो फॉर दिस इक्विलेटल है तो गो फॉर दिस अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है भूल गए हो तो गो फॉर हेरोइन हेरोइन से कोई भी ट्राइंगल चाहे वो राइट right एंगल हो इक्विलेटर हो एक्यूट हो ऑप्टूज हो सबके लिए ये एक ऑल इन वन फॉर्म्यूला है तो इसी तरह आप माइनर सेगमेंट आप ढूंढ सकते हो अभी फ्रेंड्स ये बात हो गई माइनर सेगमेंट की अभी मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढना है तो सपोज ये एरिया मुझे मिल गया ठीक है दिस इज माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट मुझे मिल गया अभी मेजर सेगमेंट मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा तो मैं क्या करूंगा पूरे सर्कल में से ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पार्ट माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे ये पार्ट अभी मिल चुका है इट ये मैंने पता कर लिया है अभी पूरे सर्कल में से इतना जो माइनर सेगमेंट हो माइनस कर दूंगा तो अभी मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे उसके लिए हम पूरे सर्कल का एरिया दैट इज पायर स्क्वायर उससे पूरे सर्कल का एरिया मिलेगा ठीक है माइनस जो भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिला है वो हम माइनस कर देंगे ये पूरी मेथड करने से पायर स्क्वायर थेटा यानी कि सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करने से जो सेगमेंट मिला है वो इधर हम लिखेंगे और माइनस कर देंगे दैट इज एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट तो पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेजर सेगमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो